शनिवार को सदर पुलिस थाना अंतर्गत संतोष किनाके नामक एक व्यक्ति की आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यह घटना शनिवार की सुबह करीब 7 बजे के दरमियान हुई है। मिली जानकारी के अनुसार संतोष किनाके की पत्नी ने सदर पुलिस थाने में फोन कर घटना की संपूर्ण जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंची व पूछताछ करने पर उनकी पत्नी द्वारा बताया गया कि उन दोनों में किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद नहीं चल रहा था। हालांकि उनकी शादी को लगभग 15 से 16 साल पूर्ण हुए थी, लेकिन फिर भी उन्हें कोई भी संतान नहीं थी। इस बात से चिंतित होकर उन्होंने आत्महत्या की, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इस संदर्भ में सदर पुलिस के पुलिस कर्मचारी ने अधिक जानकारी साझा की। आज सकाळी 10:30 सुमारास पोलीस स्टेशनच्या टेलिफोनवरती कॉल आला की शोभा किन्नाके यांनी कॉल केला होता। त्यांनी सांगितलं की त्यांचे पती संतोष नीलकंठ किन्नाके यांनी गळफास घेऊन आत्महत्या केली। त्यावरून आम्ही आणि पोलीस स्टाफ घटनास्थळी गेलो, तर त्या ठिकाणी संतोष किन्नाके यांनी गळफास घेतलेला होता। त्याप्रमाणे पंचनामा कारवाई करण्यात आलेली आहे। त्यांची पत्नी शोभा किन्नाके यांना विचारपूस केली असता त्यांनी सांगितलं की त्यांच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा झगडेभांडण झालेला नव्हता। त्याचप्रमाणे कुठलाही काही आर्थिक वगैरे कुठल्याही स्वरूपाची त्यांना चिंता नव्हती, परंतु लग्न झाल्यापासून त्यांना आतापर्यंत कुठलाही मूळबाळ नसल्याने त्या बाबतीमध्ये ते चिंतित असायचे। त्या कारणावरून त्यांनी आत्महत्या केल्याचं प्रथमदर्शनी त्यांनी सांगितलेलं आहे। सदर पुलिस ने बातचीत करते हुए ये भी बताया कि इस संदर्भ में अभी जांच जारी है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।